लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इस संसार में सब कुछ भगवान के इशारे पर ही चलता है। उसके चमत्कार का हिस्सा हैं हम इंसान। संसार में आने के बाद जब किसी भी इंसान की आकस्मिक मौत होती है, तब पहले दिन उसकी आत्मा घटना स्थल में ही रहती है। 3 दिनों के बाद वो भटकते हुए अपने घर पहुंचती है। 14 दिनों तक वो अपने साथ रहकर खुद को ढूंढती है और 30वें दिन वो अपनों को छोड़कर जुदा हो जाती है। उस वक्त उसकी पीड़ा उसे कोई न कोई रूप दे देती है। उस पीड़ा से मुक्ति दिलाने के लिए उसके नाम की पूजा की जाती है। श्राद्ध के रूप में पिंडदान दिया जाता है, तब जाकर उसकी आत्मा को शांति मिलती है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो दुष्ट आत्मा बनकर जमीन और आसमान के बीच भटकती रहती है। ऐसी ही एक भटकती आत्मा मेरे पास आई है, देखते हैं वो क्या कहना चाहती है। वो एक पुण्य आत्मा है या पाप आत्मा? क्या हुआ? अच्छा, बॉक्स उधर भूल गई क्या? मैं लेके आता हूँ, रुको, रुक जाओ, यहीं रुकना। सर मैडम खिलौना? हाँ वही खिलौना, यहीं भूल गई थी। थैंक यू। Oh,
ताकतवर और भटकती आत्मा तुम्हें खत्म करना चाहती है। शक्तिपूर्णी चंड प्रचंडिनी। भयानक है और उग्र रूप में है, ये बहुत मुश्किल है। क्या तुमने कभी कोई अनर्थ किया है? नहीं स्वामी जी, ऐसा कुछ नहीं किया। वो भटकती आत्मा किसी इंसान का सहारा लेकर तुम्हें खत्म करना चाहती है। ध्यान से सुनो, 3 महीने तक मुझे तुम्हारे लिए पूजा करनी होगी और तब तक तुम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, समुद्र लांग के जरूर जाना। 3 महीने की पूर्णिमा पूजा करने के बाद मुझसे वापस मिलो। हे भगवान, कॉल टैक्सी मालिक नायडू जी ने बुलाया है, बस मेरा काम करवा दें। देख यार, आज संडे को भी हमें जबरदस्ती बुलाकर देखो कैसे मुंह खोल करके आराम से खर्राटे भर रहा है। इसका मुंह है या लेटर बॉक्स? नायडू साहब, कौन है भाई? शर्मन तू है? पेमेंट चाहिए? लाइए लाइए। रुको रुको, आज सुबह मुझसे मिलने एक लड़की आई थी। चुपचाप सुनते रहो क्या बोल रहा है। और उस लड़की ने श्रवण की कार का नंबर बताकर कहा हमें यही कार और यही ड्राइवर पूरे 1 महीने के लिए चाहिए, कल सुबह से ही ड्यूटी स्टार्ट कर दो। क्यों? उसे इसकी कार चाहिए, मेरी कार नहीं चलेगी क्या? पैसे में, परफ्यूम में, ड्रेस में एकदम हीरोइन जैसी है। हीरोइन जैसी थी तब तो इतने पागल हो रहे हैं। अच्छा? असल में हीरोइन आ गई तो क्या होगा इनका? नायडू जी, उस लड़की को यहाँ बुलाइए, मैं उसे मिलना चाहता हूँ। उसका नाम है नीलोफिना। कहाँ की है वो? एंग्लो इंडियन फैमिली की है, बहुत अच्छी। मतलब तुम भी एंग्लो इंडियन बनने वाले हो? श्रवण सुनो, ये रहा चेक, लाइए। और ये तुम्हारी ड्यूटी बुक। ओके नायडू जी, चलते हैं। नायडू जी, अरे श्रवण, क्या हुआ? अच्छा हुआ चेक तो मिल गया। क्या? आज संडे है तो कल मंडे है। मतलब संडे और मंडे को संडे। सर, नीलोफिना मैडम। निशा, नीलोफिना जी ने मुझे बुलाया है, इसलिए मैं आया हूँ। जरा वेट करूँ, वो आ जाएंगे। ठीक है। नायडू, लगता है मेरी पहली ही मुलाकात कुछ रंग लाएगी। जी हाँ। हाय। अरे बाप रे। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। हाँ? ओके। वेट फॉर 2 मिनट्स, आई जस्ट कम। ठीक है। ओके श्रवण। थैंक यू। ओके मैडम।
क्या कर रही हो मैडम? लगता है आप कागज में कुछ लिख रही हो। क्या लिख रही हो? नहीं नहीं, मैं पेंटिंग बना रही हूँ। ओहो, मतलब आप एक अच्छी पेंटर भी हैं। कृपया इसे पढ़िए। I want to meet you. मुझे सहारे की जरूरत है। ये स्कूल जाने वाले बच्चों को भी अपनी पढ़ाई करने की बजाय यही सब सोचता रहता है। किसी की गाड़ी में कुछ भी लिख देते हैं नालायक कहीं के, और कोई काम ही नहीं है। ची 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 ची। अरे 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 अरे, इसे कैसे मिटाऊं? समझ भी नहीं आ रहा है मिट क्यों नहीं रहा। छी, थू, क्या है यार, ये मिटता ही नहीं है। लगता है बिल्कुल चिपक सा गया। सुनो श्रवण। मैडम, गुड इवनिंग मैडम। गुड आफ्टरनून मैडम। गुड मॉर्निंग मैडम। चलो एक पोज दो। पता नहीं ये बार बार मेरी फोटो क्यों निकालती रहती है। वन मिनट मैडम। अरे अरे, ये तो टूट गया। श्रवण के साथ तो जिस तरह से अपनापन दिखा रही है, देखना एक ना एक दिन वो तुझे आई लव यू जरूर कहेगा। इसलिए कह रही हूँ थोड़ा संभल कर। और ले लो मैडम। मैं कह रही हूँ उससे जरा डिस्टेंस मेंटेन कर यार। एक एक और मैडम। सो व्हाट, कहेगा तो कहने दो, तभी तो वो हमारे सोचे हुए टारगेट में आएगा। कम, लेट्स गो। जी आइए ना मैडम। भगवान, जैसा मैडम चाहती है वैसा ही तुम मुझसे करवाना। आ जाते हैं मरने के लिए। हट, क्या हुआ? वो स्कूल स्टूडेंट्स रोड क्रॉस कर रहे थे, उन्हें बचाने के लिए ब्रेक मारना पड़ा। मैं गांव में स्कूल बस चलाता था। स्कूल बस को स्कूल बस की तरह ही चलाना चाहिए, लेकिन वो लोग कहते थे बच्चों को टाइम पर पहुंचना है, इसलिए बस थोड़ी फास्ट चलाओ। मुझसे नहीं हुआ, मैंने नौकरी छोड़ दी। मैडम, आप किसी आत्मा की तस्वीर बना सकती हैं? मैं लिविंग ह्यूमंस की तस्वीर नहीं बनाती। लिविंग ह्यूमंस मतलब? मतलब मैं इंसानों की तस्वीर नहीं बनाती। इसका मतलब ये हुआ कि आप पेड़ पौधे पहाड़ झरने जंगल बाग बगीचा इन सब की तस्वीर बनाती हैं, है ना? नो, वो ह्यूमन पेंटिंग है। मैं ह्यूमन सोल पेंटिंग आर्टिस्ट हूँ। ह्यूमन सोल, क्या मतलब इसका? मतलब भटकती आत्माओं की तस्वीर। भटकती आत्माओं की? भटकती आत्माओं की तस्वीर कैसे बनाती हो? एक बार मैं तुम्हें अपने साथ ले जाकर भटकती आत्माओं की तस्वीर बनाकर दिखाऊंगी। ओके, मैडम। हाँ, आपके घर में तो खुद की गाड़ी है, फिर आपने हमारी कार को बुक क्यों किया? इसकी भी एक वजह है। क्या वजह हो सकती है? बाय। This is Ali Baba. This is gonna make you flow. Move your booty to the beat. इसका मतलब प्यार का चक्कर है।
स्वामी जी, क्या क्या है? लंदन से आपके लिए फोन है। ये सब क्या है स्वामी जी? वहाँ रोड पर मेरा तमाशा बना हुआ है। कोर्ट में हाजिर होने के लिए 4 बार नोटिस आ चुकी है। मीडिया इज्जत की धज्जियां उड़ा रहा है। मैं अब वहाँ आ रहा हूँ। तुम जैसे ही यहाँ उतरोगे वो भटकती आत्मा तुम्हें पकड़ लेगी। क्या कह रहे हो स्वामी जी? सही कह रहा हूँ मैं। अभी एक ही पूजा हुई है, 12 दिन बाद दूसरी पूजा होनी जरूरी है, तब जाकर वो आत्मा शांत होगी। तब तक तुम यहाँ आने के बारे में सोचना भी मत, समझे? ले जाओ इस फोन को। Damn it. कहाँ रख दी मैंने कत्था लगाने वाली लकड़ी? भाई भाई जरा फोन दो ना। किस लिए रे? क्रिकेट मैच चल रहा है ना, लास्ट ओवर है और थर्ड अंपायर का डिसीजन है। तेरा ये क्रिकेट मुझे जरा भी पसंद नहीं है रे। क्यों? हाथ में बॉल लेके नो बॉल बोलते हैं। ए चुप रहो ना भाई। भाई साहब ये मणि कहाँ गया, नजर नहीं आ रहा। अरे छोड़ ना भाई, मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिल नहीं रही। अरे सुनना, क्या इस अनुष्का की उम्र कितनी है? देखा, ठरक गया ये बुड्ढा। अरे मैं कौन सा बूढ़ा हो गया हूँ? ये लो, मैं एक साथ 4-4 बीवियाँ रख सकता हूँ। इसीलिए 30 साल में 70 का दिखने लगा है तू। सुबह सुबह आ गए सर खाने के लिए। ये कौन सी अनुष्का से कम है? भाई साहब आप तो बहुत ही रंगीन मिजाज के हैं, तो फिर इस कलूटी को कहाँ से पकड़ लाए? कलूटी किसे बोल रहे हो? कहीं इसे तो नहीं? अबे ये मेरी बीवी है, सुनेगी तो गला काट देगी। शादी से पहले मुझे बताया गया था कि ये अनुष्का जैसी लंबी और गोरी है, लेकिन हुआ क्या, खोदा मैंने पहाड़ लेकिन निकली ये ताड़का। ब्रोकर की बातों में फंस गया भाई। हंस लो हंस लो, सभी मेरी किस्मत पर हंसते हैं, तुम भी हंस लो। भाई साहब आप फिक्र मत कीजिए, आपको तो खुशी होनी चाहिए, आंसू निकल रहे हैं। हम एक काम करते हैं, हमारे पास नया फोन है ना, उसमें इनका नया फोटो निकाल कर भेज देते हैं। आइए 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 ना। अरे आइए आइए भाई साहब आइए। तुम फोटो निकालो, इधर आ आइए, यहाँ आइए। तुम ऐसे शर्मा रहे जैसे पहली बार फोटो खिंचवा रहे। चलो फोटो ले लो। फोटो इतनी काली क्यों आ रही है? अच्छा मेरा इधर। अरे भाई थोड़ा हंसो तो। ये लो देखो कितना बढ़िया आया, देखो ये ना, मुझे भी देखो। अरे कैसी फोटो निकाली है, इसमें तो मेरे मुंह से धुआं निकल रहा है। देखो तो देखो ना, मेरे मुंह से ऐसे धुआं निकल रहा है जैसे कि प्रेशर कुकर से भाप निकल रहा हो। ऐसा तो नहीं था, ये सब कैसे हो गया भाई? सोचा क्या था और हुआ क्या? अनुष्का को भेज दूं? ये फोटो अनुष्का को भेजोगे? मैं स्टूडियो में खिंचवा कर दूं क्या? कहीं कोई लफड़ा हो गया तो? अरे अपने लफड़े को भट्टी में डाल, ले पकड़। सर सर आपने आपने मुझे पहचाना? उस दिन मैं आपके घर पर आया था, हम एक दूसरे से मिल चुके हैं, पूरा दिन मैं आपके साथ ही था। सर आप मुझे पहचान क्यों नहीं रहे? सर छुओ मत, मैं कर लूँगा, मुझे हेल्प की कोई जरूरत नहीं, मैं कर लूँगा। सर आप बहुत ही बदल गए हैं। डोंट इंटरफेयर, आई टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। मैडम आज कहाँ पर जाना है? आज मुझे मुर्दा कॉलेज के पास ड्रॉप कर दो। मुर्दा कॉलेज के पास? जिंदा तो पढ़ाई करते हैं नहीं, मुर्दों से क्या पढ़ाई करवाएगी? ओल्ड रूट की तरफ से लेना। अरे मैडम ओल्ड रूट से मत जाइए, मैं दूसरे रूट से ले जाऊंगा। ए, कैसा चला रहा है? अरे श्रवण संभल कर चला ना। कौन है तू? बस के अंदर क्यों चला? हाय क्या तू? इस तरह कोई गाड़ी चलाता है? अंदर इतने बच्चे हैं, उनकी जिंदगी से खेल रहा है तू?
तुझे अकल है क्या? ए, कौन है तू? चुपचाप बैठ, बकवास बंद कर। अकल के अंधे बेवकूफ। अरे तू मुझे क्यों मार रहा है? मेरी गलती क्या है? सारे बच्चे नादान है, सबकी सांसें अटक गई है, जान से मार दूंगा। खूनी की औलाद बच्चों की जिंदगी से खेलता है। मैडम, मैं यहाँ कैसे आ गया? घबराओ मत, मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ। एल्विन, श्रवण आया है। सर, गुड इवनिंग सर। श्रवण, आओ बेटा, आओ। गुड इवनिंग सर। ये आप सूप बॉल के साथ क्या कर रहे हैं? जल तरंग है, म्यूजिक। ओह, म्यूजिक। निलोफिना बाहर गई है, तुम उसके रूम में इंतजार कर सकते हो। रूम में चले क्या? हाँ, ओके सर, ठीक है। तुम अंदर जाकर वेट करो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लाती हूँ। ठंडा है तो भिजवा दीजिए। हड्डियों का ढांचा, इसे भी अपने बेडरूम में रखा हुआ है। अरे बाप रे, ये करण की तरह शॉक लग गया। आप स्ट्रेलिंस घोस्ट, मार्टिन क्रूज की खोज, आर्मी मैन की भूत की कहानी। भूत की कहानी? ऑफ कोर्स। मेरी डॉटर निलोफिना 6 साल पहले उसकी माँ की मौत के बाद ह्यूमन सोल के बारे में जानने के पीछे वो पागल हो गई। इंसान के मरने के बाद जिस आत्मा को शांति नहीं मिलती, अपनी कोशिशों से उसे बुलाकर उसका दर्द जानना उसकी हॉबी है। भूत भी बोलते हैं क्या? भूत तुम लोग कहते हो, हम उन्हें कहते हैं ह्यूमन सोल। नेक्स्ट मंथ ह्यूमन सोल पर जिनेवा में होने वाली वर्कशॉप उसका टारगेट है। रिसर्च पेपर सबमिट करने के बाद वो पीएचडी हो जाएगी। यूएसए से उसके लिए 3 रिश्ते आए, लेकिन नहीं, वो मानती ही नहीं। उसके जैसी सोच रखने वाला, भूत प्रेतों में विश्वास करने वाला कोई लड़का अगर मिला तो ही शादी करेगी। अब देखो ना, ये तुम्हें बेडरूम जैसा दिख रहा है? सब जगह भूतों की फोटो, पेंटिंग, रिसर्च बुक्स। वो कभी अपने सीक्रेट किसी के साथ शेयर नहीं करती, अगर शेयर कर ली तो वो भी इसी फील्ड में आ जाते हैं। एक्चुअली इस फील्ड में वो अकेले ही संघर्ष नहीं कर रही, इस वर्ल्ड में आत्मा के ऊपर वर्षों से रिसर्च चल रहे हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि वो उसमें कामयाब हो गए। हाल ही में कुछ आत्माओं की तस्वीर कैप्चर की गई हैं, इसका सबूत मिला है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? दिखाता हूं तुम्हें। इतना ही नहीं, कुछ आत्माओं की आवाजों को सही ट्रीटमेंट दिया गया है। पहले ये मिसमैच रहती थी। ये लो सुनो। पहले ऐसा रहता है, इन वॉइस को सिंक करके रिवर्स करके सुनते हैं तो समझ में आती है। लो अब सुनो।
अब समझे? सर, अब तक तो मुझे ऐसा लगता था कि ये सारी झूठी कहानियां हैं, लेकिन आप तो भूत प्रेत की क्लास लेकर मुझे डरा रहे। माइंड लेवल में तुम बहुत वीक हो। इधर आओ, हैव अ सीट। लगता है अब तो भूतों से भी मिलना पड़ेगा। माइंड अगर स्ट्रांग हो तो क्या क्या कर सकते हैं, इसका तुम्हें एक डेमो दिखाता हूं। इस कॉफी कप को बिना छुए उठा सकते हो? हाँ जी। नहीं सर। ये कप ऊपर कैसे उठ गया? एक्चुअली ये कप अपनी जगह से हिला ही नहीं। मैंने तुम्हारे कमजोर माइंड को अपने कंट्रोल में किया है। अब जो मैं सोच रहा हूँ उसी सोच को मैंने तुम्हारी सोच बना दी। इसे कहते हैं हिप्नोटिज्म। सर मुझे ऑफिस में एक जरूरी काम है, मैं निकल रहा हूँ। मैडम आए तो कहना मुझे फोन कर दें। माइंड को स्ट्रॉन्ग करो, उसकी आजमाइश का वक्त आ गया है। जैसे हम किसी देवता को मानते हैं वैसे ही हमें भूत को भी मानना चाहिए। ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। आजमाइश तो करनी पड़ेगी। आत्माओं की दुनिया में सब कुछ अलग ही था। पता नहीं क्या हो गया है, आजकल तो मुझे बच्चा भी भूत दिखाई देता है। मैंने उससे बात की, मुझे नहीं लगता कि उसे इस बारे में पता है। मैंने बताया था ना, वो जानकर भी अनजान बन रहा है। सच में ये श्रवण वो श्रवण नहीं है, कोई और है। बट हम पता कैसे लगाएंगे? मैडम आइए जल्दी बैठिए, आपने मुझे घर पर बुलाया और सुबह सुबह जल्दी बाहर निकल गई। आपके पापा तो मेरी भूतों की क्लास लेकर मुझे हॉस्पिटल भेजवा रहे हैं। ऐसे मौसम में कुछ खाना पीना चाहिए ना। गर्मा गर्म चाय? नहीं, आइसक्रीम। कौन सी आइसक्रीम? रुको रुको रुको, मैं लेती हूँ। भैया दो चॉकलेट, जल्दी करो भेज जाओ अभी। आइसक्रीम के चक्कर में मेरे दिल की आइसक्रीम बना देगी। खाओ। Why are you so silent? कोई गाना लगाओ। लगाता हूँ ना। मिले बहाने मिल के जीने के संग मेरे जिले नाच गाए मिलके। सोचना कभी जाना ना कभी कैसे की जाती है मोहब्बत। ओ जाने अब सभी और माने सभी करता हूँ मैं तेरी इबादत। ओ यारा चांदनी तुझसे ही है हमदम, तुझसे मैं शुरू खत्म। गिटार से बजे रॉक म्यूजिक और कभी लगे तू सुरीली सरगम। तेरी बात लाजवाब, तू सच है या कोई ख्वाब, बोल मेरी सुनिए सुनिए। Mm.
बस यहीं पर, यहीं पर। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। सुनसान जगह पर घूमने का शौक है क्या आपको? हाँ? क्यों मैडम? आप यहाँ को शूटिंग करने आई है क्या? सारे सामान के साथ तैयारी करके आई हो? चुपचाप चलो। मैडम मैडम, आप लड़की हो या भूत हो, रात को 12 बजे आप मुझे कब्रिस्तान में क्यों लाई हो? चुप रहो श्रवण। जो सोए हैं उन्हें जगाना मत। अरे मुझे यहाँ तस्वीर बनानी है। क्या तस्वीर बनानी है? अपनी बकवास बंद करो, चुपचाप चलो। मैडम मैडम, किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया, मुझे बचाइए। मैडम मैडम मैडम, मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ, मुझे बचाइए। कुछ नहीं है श्रवण, चलो ना। क्या? भूत ने मेरा पैर नहीं पकड़ा था, बच गया। ये क्या, आप कैसी लड़की हो मैडम? आधी रात में आप कब्रिस्तान में क्या खोज रही हो? मेरे तो हाथ पैर कांप रहे, घबराहट के मारे मेरी जान निकली जा रही है। हे भगवान, चुप रहोगे? ठीक है। जो चीज रेडियो स्टेशन में फिट करनी चाहिए उसे आप मुर्दा स्टेशन पर फिट कर रही हो, आप चाहती क्या है मैडम? अरे तुमने कहा था ना, तुम्हें भटकती आत्माओं को देखना है, इसलिए तुम्हें यहाँ लाई हूँ। आप राम से ब्रदर्स की फिल्मों को हकीकत में बदलना चाहती है क्या? मुझे डर लग रहा है मैडम, सच में। क्या कर रहे हो श्रवण? सॉरी मैडम, मैं तो बस पूछ रहा था। अरे भगवान, वहां कुछ काला सा नजर आ रहा है, वो आराम से सो नहीं सकता है क्या? मैडम क्यों चिल्ला रहे हो श्रवण? मैं क्या चिल्ला रहा हूँ, एक आदमी का भूत और एक औरत का भूत उस झाड़ी के पीछे खड़े रहकर हम दोनों को घूर रहे हैं मैडम, हमें देखकर वो हमारी तरफ आ रहे हैं मैडम। श्रवण, वो भूत नहीं, इंसान है, छोड़ो मुझे। श्रवण, वो भूत नहीं है। मुझे जाने दीजिए मैडम। देखो कितने डरपोक हो तुम। इंसान है, आधी रात को एक मर्द और एक औरत कब्रिस्तान में आकर क्या कर रहे हैं? ये भी नहीं समझते इतनी रात को एक आदमी और औरत यहाँ क्यों आएंगे? ऐसे नीच काम के लिए लोग अब कब्रिस्तान का इस्तेमाल करने लग गए हैं। वेस्ट, तुम भी वेस्ट और ये भी वेस्ट। मतलब सब खत्म हो गया? पैक एवरीथिंग एंड जस्ट लीव। पैक अप, ओके। हे भगवान, तूने मुझे बचा लिया, सारी रात नींद नहीं आएगी। चलो श्रवण, तुम इतना क्यों डर रहे हो? क्या डर मुझे? नहीं नहीं, मुझे डरपोक लोग पसंद नहीं है। किसे पसंद नहीं? डरने वाले लोग मुझे पसंद नहीं है, खास करके तुम डरोगे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। हे मेरे भगवान, दुनिया की सारी लड़कियां शादी के बाद भूतनियां बनती हैं, लेकिन मुझे भूतनी ही बीबी बनकर मिलने वाली है। हमें आत्माओं की दुनिया में अगर प्रवेश करना है तो सबसे पहले हमारे अंदर जो डर है उसे बाहर निकाल कर फेंकना होगा। इसलिए अब मैं हॉरर फिल्में देख देख कर भूतों से मिलने के लिए बाहर निकलूंगा। सुर तो बहुत अच्छा है, किस फिल्म का है ये? ए, तुझे डराने के लिए आवाज निकाली है क्या? आवाज से ज्यादा मैं तेरा चेहरा देखकर डर जाता हूँ। खैर अब तू क्या करने वाला है? नो, नहीं करूंगा। ये अंदर से इस तरह का साउंड क्यों आ रहा है? ये दोनों कौन सी फिल्म लगाकर देख रहे हैं, इतना डरावना डरावना साउंड आ रहा है। मुझे भी देना। अरे
इसे डरने के बजाय हंसी आ रही है, वाह वाह। क्यों बे? भूतों की फिल्म देखकर डरने के बजाय तुझे हंसी आ रही है? देखते देखते चार फिल्में बदल दी तूने। इस फिल्म का सीन कितना डरावना था, और ये मोटा तो भूत बन के बैठा है। नाइट में ब्रांडी, सुबह होते ही ग्रीन टी, ये भी कोई जिंदगी है यार। क्या हुआ, गर्मी लग रही है क्या? ये मुझे लगाना चाहिए। रात भर कैसी कैसी डरावनी फिल्में लगाकर देखता रहता है। वो टीवी तेरा है क्या? पूरी रात सर दुखता रहा, अभी तक दुख रहा है। ये लगा है? इसे इसमें डालकर पीऊं या? सुबह सुबह उठते ही मेरे हाथ में नींबू का टुकड़ा दिया, वो तो मैं समझ गया, लेकिन ये गाड़ी के चारों ओर नींबू बांधने का क्या मतलब है? ये नींबू पानी का स्टॉल खोलने वाला है क्या? इस वक्त हम एक भयानक तांत्रिक से मिलने जा रहे हैं। नजर उतरवानी है क्या? अरे यार, ये पीछे गुड़िया क्यों रखा हुआ है? ये गुड़िया क्या, कोई कस्टमर भूल कर चला गया है, गाड़ी में ही पड़ी है। ना, ना, ना। ये तो सच में खतरनाक तांत्रिक है यार। अरे यार, ये नया नया तांत्रिक बना है क्या? अरे पहले से ही तांत्रिक है यार। नहीं यार, बाह में मोबाइल फोन विग देख करके मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है। 8-10 चेले चपाटे भी नहीं है। साथ में अगर लेडीज है तो उसके लिए रूम है। भक्तो, तुम लोग यहाँ आए हो, मुझसे क्या चाहते हो? तांत्रिक जी, ये बताइए, इस संसार में भूत, प्रेत, आत्मा वगैरह ये सब होता है? ये उचित प्रश्न नहीं है। नहीं तो क्या आपसे फिजिक्स का सवाल पूछेगा? नहीं नहीं, ये आत्मा आखिर है क्या स्वामी जी? मैं इसे देखता हूँ तो मुझे लगता है कि इसमें भूत है स्वामी जी। अरे यार, ये खाने की चीजों का नाम क्यों ले रहे हैं? अबे चुप रहना बोल। अगर सच है तो झूठ भी है, रात है तो दिन भी है, भगवान है तो शैतान भी है, चोर है तो पुलिस भी है, ले पकड़। आधे घंटे के बाद जो भी दिल में आए उसे मांग लेना। ठीक है। एक आत्मा तुम्हें सब कुछ देगा, गेट आउट। भाई वो हमें जाने के लिए बोल रहे हैं। अब चुपचाप देख मैं इसका सामना कैसे करता हूँ, तू बस पीछे खड़ा रहा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ये रॉन्ग नंबर कौन है? मुझे आइसक्रीम चाहिए, लाएंगे ना? क्यों, तेरा दूसरा डैडी नहीं है क्या? उसे जाके मांग, सब कुछ मैं ही लाके दूंगा। इडियट। भाई कस्टमर आया है। आई कॉल यू बैक, बाद में दिला दूंगा। ओ मैं किंग आइसक्रीम बेस्ट क्रीम। मुझे यहां क्यों लाया है? मैं सबको मार दूंगी। छोड़ लो मेरे। मेरा सारा सामान बिखेर दिया। ए, अब तुम काबू में आ जा। ए, कात्यायनी, चंद प्रचंडनी, तू है मोहिनी, ये ओवर हो रहा है, इसे रोको मां। मुझे रोक मत। ये तो काबू में ही नहीं आ रही है। अगला पैतरा, तू नहीं जानती कि मैं क्या चीज हूँ। तुझे अपनी प्यास बुझानी है ना? मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। तू मुझे सब कुछ बता देगी तो मुझे मारने का शौक थोड़े ना है। जय 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 खू। ए डमरूला, जल्दी बता, जल्दी बता, शांत हो जा। अच्छा ये बता, किसके साथ सेट होना चाहती है? खूनी नायन, पहले ये बता, तू कहाँ समाना चाहती है, बोतल में या इंसान के अंदर? समाऊंगी, समाऊंगी, मैं समाऊंगी। अरे लेकिन कहाँ समाएगी ये तो बता। उसके अंदर समाऊंगी। मेरे अंदर? अरे भागिया, मुझे यही चाहिए। शांत हो जा, शांत हो जा। आप भी हमारी मदद कीजिए ना भाई साहब। अगले हफ्ते इसकी शादी होने वाली है। हम दोनों अभी कुंवारे हैं, आप हमसे शादी करेंगे क्या? मेरी नहीं, मेरी बेटी की। अच्छा बेटी भैया, इसमें 20,000 रुपए है। पुत्र तू हाँ कर दे, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। यहाँ मेरी जान गले में अटकी और तू चिल्लीपो कर रहा है? शट अप, ले ये ताबीज रख। ये काम भी करता है? ए भाई, ये काम करता है या सिर्फ पतरे का टुकड़ा है? अरे कुछ नहीं होगा, अंदर जाओ भाई। आ जाओ माता जी। अच्छा सर, चलना। अरे चलना। अरे ओ, ओ, ए, अरे
ओ, एक घंटे तक समय बिताओ, फिर बाहर आओ, फिर बाहर आओ, एक घंटे तक रहो, फिर बाहर आओ, फिर बाहर। अब मुझसे नहीं होगा। 11, 12, 13, 14, 15, 16, क्या बात है, सारा नशा उतर गया। मैं कंफ्यूज हूँ, ये वही है क्या? भाई कहाँ है? अब तुम्हें भाई कहाँ है? वो आ रहे हैं। आ रहे का मतलब? हमें आशीर्वाद दीजिए स्वामी जी। पुत्रवती भाव, पेरेंट्स भक्तो, यहाँ आओ, अब इसे अपने साथ ले जाओ। जाओ कन्या, जाओ खुशी खुशी आम का अचार खाओ। स्वामी जी, वो दोस्त कहाँ है मेरा? वो भी आ जाएगा, आवाज तो दो। अरे आजा। तुम वो इंसान हो? पापी कहीं का, कहीं इसके अंदर आत्मा तो नहीं घुस गई? श्रवण, क्या है यार? ये आधी रात को बैठकर तू क्या कर रहा है यार? उस तांत्रिक की वजह से जो कुछ भी हमने सीखा है उस पर मैं कहानी लिख रहा हूँ मैडम को दिखाने के लिए। ए भाई, अच्छा, जब हम भूतों को याद करते हैं तो कुछ अजीब किस्म की बदबू आती है क्या? क्या पूछ रहा है यार? जैसे यूरिन का स्मेल होता है। अबे वो भूत का नहीं, तेरे दोस्त का है। अबे कोयले की खान, तू भूत की तरह सामने क्यों आ गया? एक भूखे भेड़िये के सामने खरगोश की तरह छोड़ दिया तूने मुझे, कहीं कुछ हो जाता तो? अब कोयले की खान बोल रहा है? क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तेरी चीख सुनकर मेरी तो दोनों उतरने वाली है, ठीक से सोने भी नहीं देता, नालायक कहीं का। तुमने फोन में कहा था कोई खास बात करनी है, एनीथिंग सीरियस? वो आपके साथ मिलकर आपको खुश करने के लिए मैंने भी भूत प्रेतों की स्टडी शुरू कर दी थी, लेकिन अब वो बात मेरे लिए मुसीबत बनती जा रही है। गुड। मैं और मेरा दोस्त पूरी रात भर सो नहीं पाए, अब मैंने रात को भूत देखा। मैं भूत ही हूँ, मैं तेरा गला दबा कर तेरा खून पी जाऊंगी। नहीं 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 नहीं। सॉरी, चलो पॉइंट पर आती हूँ। फर्स्ट टाइम मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, जानते हो सच्चाई क्या है? आज से कुछ दिन पहले हमारे मीडियम के जरिए हमें एक मैसेज मिला था। ऐसी ही एक भटकती आत्मा मेरे पास आई है, देखते हैं वो क्या कहना चाहती है। उसने किसी से जुड़ने के लिए हमसे हेल्प मांगी। एक भटकती हुई आत्मा तुमसे बात करना चाहती है। अरे यार, ये पीछे गुड़िया क्यों रखी हुई है? गुड़िया? तुम अब तक उसके लिए पूरी तरह तैयार नहीं हो। नो! मेरी तुमसे पहली बार मुलाकात होना, तुमसे बात करना, घूमना फिरना, ये सब कुछ उस आत्मा ने ही करवाया था श्रवण।
श्रवण तुम इतना डर क्यों रहे हो? डर रहा हूँ? नहीं नहीं, मुझे डरपोक लोग पसंद नहीं है। किसे पसंद नहीं? तो फिर प्यार क्या? हाँ नहीं कुछ नहीं। ये देखो सेंसिटिव वे कम डिटेक्टिव कैमरा के जरिए जब मैंने तुम्हारी फोटो ली तो तुम्हारे साथ एक आत्मा का साया भी मिला। भूतों को पकड़ने के लिए ये हमेशा मेरी फोटो लेती रही। पापा भूतों के मीडियम स्पेशलिस्ट हैं। आत्मा जिस किसी इंसान से मिलना चाहती है वो उसे उस इंसान से मिलवा कर उसकी बात भी करवाते हैं। तुम्हें भी हेल्प करेंगे। जब भी किसी की डेथ हो जाती है तो उससे मिलने वाला आखिरी इंसान इस मीडियम के जरिए उस आत्मा से संपर्क कर सकता है। इस बोर्ड के सेंटर पॉइंट पर अपनी उंगली रखो। अब अपनी पलकों को बिना झपकाए इस कैंडल के लौ को देखते रहो। पलकें गिरनी नहीं चाहिए। ज्यादा से ज्यादा जितनी देर देख सकते हो उतनी देर तक देखते रहो। इस वक्त तुम्हारे दिल में कुछ और चल रहा है, इसीलिए आत्मा तुम्हारे सामने आने से डर रही है। अपने मन को एकाग्र करना होगा, खुद को तैयार करना पड़ेगा। श्रवण, तुम्हारे सामने जिंदगी का एक नया अध्याय है। वो आत्मा तुमसे मिलकर तुमसे ही कुछ कहना चाहती है। सो पहले डिसाइड कर लो, तुम मिलने के लिए तैयार हो? देन वी कैन हेल्प यू। Teach to him. मैं फिर से ये करने के लिए तैयार हूं। मैं जानना चाहता हूं कि मुझसे कौन मिलना चाहता है। ओके, तुम शांत मन से फिर से ट्राई करो। मैं तुम्हें सब कुछ अरेंज करके दूंगी। वो आत्मा जब सामने आएगी तो उसे बिना डर के फेस करो। अगर तुम डर गए तो आत्मा नर्वस हो जाएगी।
सुन शंकर बेटा, पूर्णिमा पूजा के लिए तू अग्निकुंड लेकर आया है या नहीं? तुझसे कुछ पूछ रहा हूं, जवाब क्यों नहीं देता? जून 2 तारीख को ईस्ट के सिग्नल में खड़ा था मैं। केक खाने तक ही हमारी दोस्ती है, उसके बाद कट्टी। ओके। ए, जानवर कहीं के चुप नहीं रह सकते? यही पढ़ाया जाता है स्कूल में? सूरत देखो, शैतान लग रहा है सब। हैप्पी बर्थडे। बहुत प्यारी हो तुम। चलना चलना, सिग्नल चालू हो गया, चल भरा ले गाड़ी, भरा ना। इसको बहुत बदमाश है, बच्चों को टाइम पे नहीं पहुंचाया तो मुझे सूदी पे चढ़ा देगा। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अन्नू है। अन्नू, कौन सी क्लास में पढ़ रही हो? 3rd standard। ओह, कौन से स्कूल में? 7 Wonder Matrix Institution। लो, फिर सिग्नल लग गया। क्या मुसीबत है यार? मरना क्या आगे आगे? तू अपनी घरवाली से लड़कर आया है क्या? उसका गुस्सा हम पर क्यों निकाल रहा है? ए शैतानो, अरे चुप बैठो यार तुम लोग। यही सिखाया मां-बाप ने तुम लोगों को? एक तो तुम लोगों की चिल्लम चली, ऊपर से ट्रैफिक इतना ज्यादा है, दिमाग खराब हो जाता है तुम लोगों को देखकर। तुम लोग मेरी जान के दुश्मन क्यों बने हो?
वाओ बटरफ्लाई। कहाँ है? ओ तितली, तुम्हें बहुत पसंद है क्या? आई लव बटरफ्लाईज। ये भगवान का ही करिश्मा है, ये कैटरपिलर में पैदा होता है और बटरफ्लाईज में कन्वर्ट होता है। ओहो, नो 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 नो, बटरफ्लाईज को छूना नहीं चाहिए, इनके पंख बहुत सेंसिटिव होते हैं, अगर वो टूट जाएंगे तो ये फिर उड़ पाएंगी क्या? अच्छा, बट मैं बुलाऊंगी तो ये आएगी। अच्छा, आपको देखना है? बुलाओ तो। ए बटरफ्लाई, कम ऑन स्ट्रॉबेरी बटरफ्लाई, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। मेरे बुलाते ही वो आ गई, देखा ना? बहुत बढ़िया। अनु, ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। थैंक यू। अरे, मेरे फ्रेंड का दिया हुआ गिफ्ट, मेरे फ्रेंड का गिफ्ट नीचे गिर गया। मेरे फ्रेंड का गिफ्ट। ए, बाहर बताओ, बाहर बताओ, अंदर जाओ, अंदर जाओ, मेरी बात मानो बेटा, अंदर जाओ। रुको, मैं देता हूँ। कहाँ गया? हाँ, लो मिल गया। वाह, सुपर, ठीक है ना? थैंक यू भैया। अरे, सिग्नल चालू हो गया। बाय। हम फिर मिलेंगे बेटा। ओके भैया।
हे भगवान। अरे बाप रे अनु, अरे अरे अनु, अरे ये कैसे पापी लोग हैं, अरे कोई जल्दी एम्बुलेंस को बुलाओ। अरे कोई एम्बुलेंस को फोन करो। डॉक्टर एक्सीडेंट केस है, इसे ओपीडी में लेके जाओ जल्दी। कहाँ पर है डॉक्टर? डॉक्टर इसे बचे, इसका एक्सीडेंट हुआ है डॉक्टर, एक्सीडेंट हुआ है इस बच्ची का। ये बच्ची बस के नीचे गिर गई है, इसे क्या हुआ है देखिए ना सर। ये बोल क्यों नहीं रही है सर, बोलिए ना सर, बोलिए ना सर, क्या हुआ है इसे सर, क्या हुआ है सर? आई एम वेरी सॉरी, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, बच्ची अब नहीं रही। बस से नीचे गिर गई मैं, इसका एक्सीडेंट हो गया। ये क्या हो गया अनु? अनु आज तेरा बर्थडे था, तू सुबह आशीर्वाद लेके गई थी बेटा मुझसे। अनु 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 ए अनु उठ जा, अनु 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 उठ जा बेटा, उठ जा अनु। अरे ये मेरी बेटी को कैसे बांध रखा है अनु, अनु अनु अनु। एक बार हमसे कुछ बोल बेटा, याद है मैं तेरी माँ हूँ, एक बार मुझसे बात करना बेटा। अनु मैं तेरी माँ बोल रही हूँ बेटा, मुझसे कुछ बोल ना बेटा। अनु इधर देख, तेरी मम्मी आई है, तेरे पापा आए हैं, हम दोनों से कुछ बात करना बेटा, बोल बोल अनु। नहीं बोलेगी, नहीं बोलेगी। अरे इससे कहो ना हमसे बात करे, इससे कहो ना कुछ बात करे, इससे कहो ना हमसे। क्या क्या हुआ, क्या हुआ हरी? हरी अनु, अनु से बात करो, अनु से कहो हमसे बात करे। हरी हमारी अनु से कहो हमसे बात करे, हरी हमारी अनु से कहो हमसे बात करे। हरी हरी तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही, तुम अनु से बोलो ना। हरी 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 तुम मुझसे कुछ बोलो, हरी हरी बोलो, बोलो हरी, बोलो हरी, हरी बोलो, बोलो हरी, कुछ तो बोलो हरी, कुछ तो बोलो। शांत हो जाइए भाभी जी, ऐसा मत कीजिए, ये ऐसा भाभी क्या कर रही है, शांत हो जाइए। तो बोलो अनु से कहो हमसे बात करे, अनु पापा से बात कर बेटा, अनु पापा से बात कर, हरी से कहो ना, हरी से कहो ना हमसे बात करे, हरी से कहो ना हमसे बात करे। अनु को क्या हुआ, बस कीजिए, बहुत हो गया, शांत हो जाइए, रुक जाइए। अरे कुछ तो कहो, हरी मेरी अनु, हरी हरी नहीं। में जो आजकल आतंकवादी घटनाएं घट रही हैं, इन सब के पीछे किसका हाथ है? क्या बोले जा रहे हैं इन्हीं को नहीं पता, बस बोल बचन दे रहे हैं। किसके बारे में बोल रहा है तू? ए गुड़िया क्या हुआ? मेरी फ्रेंड स्ट्रॉबेरी बटरफ्लाई को चोट लग गई, इसलिए ये मर गई क्या? नहीं बेटा, आज इसकी जिंदगी पूरी हो गई है, ये अपना शरीर छोड़कर भगवान के पास चली गई। ये लौट कर आएगी क्या मम्मी? तुम जब भी इसे याद करोगी ये ढूंढते हुए तुम्हारे पास जरूर आएगी। तुम्हें एक बात बताऊं बेटा, भगवान के क्रिएशन में एक आत्मा दूसरा शरीर धारण कर लेती है। तो ये लौटकर आएगी ना मम्मी? हाँ ये दूसरा जन्म लेकर आएगी।
देखिए, हमारा स्कूल एक इंटरनेशनल लेवल का इंस्टीट्यूशन है, इसमें हमारे स्कूल की कोई गलती नहीं है, बल्कि वो बच्ची क्या थी, मंदबुद्धि वाली बच्ची। हाँ, वो बच्ची एक कम दिमाग वाली मतलब मंदबुद्धि बच्ची थी, इसलिए उसके साथ ऐसी घटना घटी। एंड वन मोर थिंग, वो बच्ची स्कूल के बालकनी से दो बार कूदने की कोशिश भी कर चुकी थी। ऐसी मंदबुद्धि लड़की को हमारे स्कूल में एडमिशन देकर ही हमने गलती कर दी। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, इस घटना का कारण सिर्फ ये है कि वो बच्ची मंदबुद्धि थी। देयर इज नो मिस्टेक फ्रॉम आवर साइड। आई होप यू अंडरस्टैंड। फिर उसके पेरेंट्स ने आपके खिलाफ कंप्लेंट क्यों की? नो मोर कमेंट्स, थैंक यू। बस एक्सीडेंट में जिस मासूम बच्ची की मौत हुई उसकी सच्चाई आप हमारे माध्यम से जान चुके हैं। हमारे स्कूल की छात्रा अनु को यंग इंटरनेशनल ब्रिलियंट अवार्ड मिला है। सर, मेरे मम्मी डैडी को स्टेज पर बुलाएंगे। ओके, श्योर। आई रिक्वेस्ट अनुज पेरेंट्स टू कम आउट इन द स्टेज प्लीज। हाय। अनु एक मल्टी टैलेंटेड स्टूडेंट है। ये हमारे स्कूल की गौरव, शी इज द फेस ऑफ आवर स्कूल। 1330 स्टूडेंट्स में से ये वो बच्ची है जिसके पास हर सवाल का जवाब है। इतनी अच्छी मेमोरी पावर है। 300 साल पुरानी कोई भी हिस्ट्री का सवाल पूछो, हाजिर जवाब देने वाला टैलेंट। मिनट पहले फूलों जैसे खिलखिलाती हुई बच्ची को खून से सना हुआ देखा था मैंने, जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता। मैं बाद में आता हूं मैडम। श्रवण, श्रवण वेट। मामला बिगड़ता जा रहा है, पुलिस को बुलाएं क्या? क्या सर, उसे सामने बिठा कर बातचीत कीजिए ना, क्यों उस पर जुल्म ढा रहे हैं? ये कहाँ की इंसानियत है सर? सर, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होने से पहले बातचीत से सॉल्व कर लेनी चाहिए। छोड़ो इसे, क्यों मारो इस बेचारे को? तुम लोगों के अंदर की इंसानियत मर गई है क्या? ये भी तुम लोगों की तरह इंसानी है। लाइन में घुसता कोई बात नहीं, लगड़ा समझ के छोड़ देते हैं। बोलता है लाइन क्यों लगाया है? ए, ये बेचारा 3 दिनों से यहाँ पड़ा है ताकि इसकी बच्ची को एक सीट मिल जाए, और तुम लोग इसे जानवरों की तरह पीटे जा रहे हो। कुछ इंसानियत है कि नहीं? यहाँ क्यों खड़े हो? हाँ, यहाँ क्यों खड़े हो? यहाँ मैं भी खड़ा था, इसी स्कूल में 2 दिन पहले मैं यहीं खड़ा था। जब एप्लीकेशन मिली तो मुझे इतनी खुशी हुई कि लगा कि मैंने पूरा जहां जीत लिया हो। मेरी बच्ची के एडमिशन के समय मैंने नोटों की गड्डियां यहां गिन गिन कर दी थी। मेरी बच्ची की लाश घर लौटी है। सुबह से लेकर शाम तक अपने बच्चों को यहां एडमिशन दिलवाने के लिए हम लोग पागल कुत्तों की तरह इनके पीछे पड़े रहते कि हमारे बच्चे को एडमिशन दे दो, हमारे बच्चे को एडमिशन दे दो, हमारे बच्चे को एक सीट दे दो। लेकिन इनका घमंड तो देखो, घमंड स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे बेकार और इस तरह के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे इज्जतदार, यही सोच है इनकी। और ये सब सिर्फ हमारी बेवकूफी की वजह से है। तू पागल हो गया क्या? तेरी बच्ची मर गई तो क्या पहाड़ टूट पड़ा? यहाँ 2000 बच्चे पढ़ते हैं। इस शहर में इनके 5 कैंपस हैं जिसमें 10,000 बच्चे पढ़ते हैं। तेरी एक बच्ची मर गई तो सब बंद करवा देगा। एक बच्ची? हाँ,
हाँ? स्कूल बस में, सेप्टिक टैंक में, गंदी नाली में, कुंभ नदी में डूबे थे 97 बच्चे और यमुना नगरी में डूबे थे पूरे 100 बच्चे। वेल्लूर के बस एक्सीडेंट में 19 बच्चे मारे गए थे, ये कम है क्या? ए, कम है क्या? ताज्जुब है, हर न्यूज़पेपर में, हर न्यूज चैनल में ज्यादा खबरें बच्चों की मौत की ही नजर आती हैं। और पता है, ये लोग बच्चों की जिंदगी को सब्जी भाजी समझते हैं। लूटने में कोई कसर छोड़ते हैं क्या? बेंच डेस्क सही है क्या? क्लासरूम सही है क्या? ये चेक किए बिना हम लोग एग्जाम फीस भरते हैं, स्कूल फीस भरते हैं, टर्म फीस भरते हैं, स्पेशल फीस भरते हैं, पैसा पानी की तरह बहाते हैं, जैसा मेरी बच्ची के साथ हुआ। भगवान न करे आपके बच्चों के साथ कभी ऐसा हो। जाओ, मैं समझा रहा हूं। अरे हरी, ये सब क्या है यार, ये आगे क्यों लफड़ा कर रहा है? क्या मिलेगा इन सबसे? चोट लगी है, पहले से हॉस्पिटल लेके चले जाओ। मेरे साथ चल चल, कुछ कोई फायदा नहीं है। छोड़ो, बात कोर्ट में गई है ना, हम वहाँ पे देख लेंगे। आ जा बैठ गाड़ी पे, आप लोग लाइन में लगो। चल आ जा, चलो जो जो जैसे था। विक्रम चंद आने वाले ना, हम उनसे बात कर लेंगे, देखते हैं क्या होता है। सिर्फ 200 सीट के लिए इन लोगों ने 20,000 एप्लीकेशन फॉर्म निकाले, कुछ सुन रहे हो तुम लोग? लक्ष्मण, कल कोर्ट में हियरिंग है, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। सर, सर, सर। मैडम, ये अनु का घर है ना? जी हाँ, ये अनु का ही घर है। वो विशाल जी है ना? नहीं, मैं अंदर आइए, अंदर आइए, आइए आइए। मैडम, मैं बैठिए ना, बैठिए ना, आइए, कार्टून देखिए, मेरी बच्ची को कार्टून बहुत पसंद है। नहीं मैडम, मैं अनु के बारे में आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ। सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक अनु का भरतनाट्यम क्लास, उसके स्कूल से लौट कर आने के बाद म्यूजिक क्लास, उसके अलावा असेंबली में मार्स और सैटेलाइट के ऊपर स्पीच देने वाली है। आपको पता है, वो जरूर देगी, वो बहुत इंटेलिजेंट है। और हाँ, मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, आइए ना, यहाँ ये, ये, सॉरी, ये कब, उसे ये कब भरतनाट्यम कॉम्पिटिशन में मिला है, ये सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट उसे चेस में मिला है, और ये स्पीच के लिए, और वो ग्रुप डिस्कशन, सब एक्टिविटीज में मेरी रानी चैंपियन है, बस वो आती होगी। आप बैठिए ना, आप बैठिए, मैं कुछ लाती हूँ, आप बैठिए। कौन है? सर, मैं श्रवण, अनु के बारे में आपको कुछ बता रहा। भी इंसानियत नहीं क्या तुम लोगों में? एक दिन में कितने लोगों को समझाऊं? तुम्हें कमीशन मिल रहा है क्या? बीच का कितना मिल रहा है, 1 करोड़ या 2 करोड़? सर, मैं तो सड़क पर आ गया। कोई बात नहीं, जिस कमीने ने मेरी बच्ची की जिंदगी से खेला है, मैं उसे सजा दिलवा बिना छोड़ने वाला नहीं हूँ। तुम लोग को इंसान हो क्या? तुम लोगों में इंसानियत नाम की चीज है क्या? जरा देखो, पागल बनकर रह गई बेचारी, ये कम है क्या? तुम लोगों के पास पैसा है तो क्या तुम कितने भी लोगों की जान ले लोगे? नहीं सर, मैं आपसे यही कहने के लिए आया हूँ। मेरी बच्ची का दिमाग खराब था, ऐसा सर्टिफिकेट तुम मुझसे लेकर उसे कोर्ट में प्रोड्यूस करके अपने आप को बेगुनाह साबित करके बच जाओगे? मैं ये कैसे लिख कर दे दूं कि मेरी बच्ची खुद ही बस से गिरी थी? सर, भगवान के लिए मुझे पहचानी है, मैं श्रवण हूँ सर। उस दिन जब अनु का एक्सीडेंट हुआ था तो मैंने ही आपको फोन करके बताया था, और हॉस्पिटल तक भी मैं ही लेके गया था सर। 4 घंटों तक मैं आप लोगों के साथ ही था। जरा याद करने की कोशिश कीजिए, मैं कॉल टैक्सी ड्राइवर हूँ सर। सॉरी 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 छोटे, सॉरी। केस अभी अभी रीफाइल हुआ है, सुबह से लगातार फोन आ रहा है, 50 लाख ले लो, 1 करोड़ ले लो। केस को वापस लेने के लिए मुझे धमकाया जा रहा है, तो मैं बस भड़का हुआ था, मुझे लगा तुम उन्हीं के आदमी होगे। सॉरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, सॉरी, मुझे माफ। कोई बात नहीं। विक्रम सर आकर ये तसल्ली देकर बात करके जाते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मेरी बच्ची की जिंदगी की कीमत 50 लाख या 1 करोड़ लगाते हैं, ये मुझसे सहन नहीं होता, ये लड़ाई उसी दर्द के खिलाफ है। ऐसी हालत में अनु की आत्मा मुझसे मिलने आई थी, ये मैं कैसे बताऊं? अनु की आत्मा दोबारा तुमसे मिलने जरूर आएगी, तब डरे बिना तुम उससे बात करने की कोशिश करना, तब वो क्या चाहती है ये पता चल जाएगा।
अनु, बहुत दिनों से तुम मेरे साथ आंख मिचोली खेल रही हो। आ जाओ, मैं तुम्हारा फ्रेंड हूं ना। डर क्यों रहे हो? मैं डर नहीं रहा हूं बेटा, अजीब सा लग रहा है और कुछ नहीं। ए श्रवण, बातों बातों में वक्त निकल गया यार। ए श्रवण, नई फिल्म के दो टिकट लेकर आया हूं मैं। जरा रुक, मैं भी आता हूं। तेरे लिए नहीं है, तू यहीं रुक। अच्छा है, काम कर, सलमान की फिल्म है, जरा इसे आनंद कर दे भाई। जरा टिप टॉप होकर जाऊंगा, ड्रेस चेंज कर रहा हूं, दरवाजा बंद कर दे। खुद बंद करो ना। तू बंद कर देना, ड्रेस चेंज कर रहा हूं ना। तुम ही जाकर बंद करो ना। अरे यार, तू मेरी बात क्यों नहीं सुनता, जाके बंद करना। देख ले भाई, ये है मेरी वॉइस का पावर। ए भाई, बहुत थक गया हो यार, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। जरा ये पैंट भी मार देना थोड़ा, मैं जरा बाथरूम होके आता हूं। ये कौन है भैया? ये तो बिल्कुल जोकर जैसा है। मैं आपसे मिलने रोज आ सकती हूँ ना? हाँ, तुम जरूर आना, लेकिन तुम आई तो मैं कैसे जानूंगा? जब तुम आओगी ना तो अचानक लाइट ऑफ कर देना। ऐसा तो भूत करते हैं। आई एम एन एंजल। तो फिर जोर से हवा के झोंके से दरवाजा खटखटाना। आप भूतिया फिल्म बहुत देखते है ना? ओके है ना? ओके। ये क्या? अरे बाप रे! ओ गॉड, क्या क्या क्या? ओ नो 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 नो! अरे क्या श्रवण? लगता है तूने आरन को ज्यादा ही गर्म कर दिया। जल्दी की बदबू बाथरूम तक आ रही थी। क्या हुआ, कपड़े हो गए क्या? कर रहा हूँ। सच बता, शो का टाइम हो रहा है, कर दिया ना? हाँ, सच में हो गया। जब भी गलत बोलता है तेरी जुबान लड़खड़ाती है। अरे नहीं, सच में किया। देखता हूँ मैं, आ जा, देखता हूँ मैं। मर गया। ये करने के लिए दिया था तुझे मैंने? मैं क्या बताऊँ? बोल ना, क्या? वो तुमने कहा था कि बॉडीगार्ड देखने जा रहा हूँ, तो आयरन कर दे, इसलिए जल्दबाजी में। अब सॉरी यार, गलती हो गई। मैं फिल्म देखने जा रहा हूँ तो इसका मतलब क्या कि मैं फिल्म की हीरो की तस्वीर लगा के जाऊंगा? अरे बाप रे, ये इसमें कहाँ से आ गए? कहाँ से आ गए? अबे तुझे पता होगा कहाँ से आ गए। आगे भी हीरो, पीछे भी हीरो, दुनिया का सबसे अनोखा टी शर्ट होगा ये। मेरा सर तूने गर्व से ऊंचा कर दिया। तुझे एक बात पता है, तमिल फिल्मों का सबसे बड़ा हीरो है अपना ये अजीत। वो कैसे? उनका वो फेमस डायलॉग है ना, जीने वालों को जीने का तरीका चाहिए, सर झुका कर नहीं, सर उठा कर जियो, समझे? तो फिक्र मत कर, तू दोस्त नहीं छोटा भाई है। फिल्म देख कर आने दे, तुझे कहानी सुनाऊंगा, तू अपना काम कर ले। अरे शो का टाइम हो रहा है। अरे भाई क्या यार, ये तूने बहुत अच्छा काम किया है, इसके लिए घुटने पर बैठकर माफी क्यों मांग रहा है? पागल कहीं का। अच्छा वो चला गया, वरना सरदर्द शुरू हो जाता। अच्छा ये बताओ कि तुम मुझसे मिलना क्यों चाहती थी? टाइम आने पर बता दूंगी भैया, अगले पल क्या होने वाला है ये हम में से कोई नहीं जानता, यही तो लाइफ का इंटरेस्टिंग पॉइंट है। बट आई वोंट ट्रबल यू, अभी मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आई हूँ टू एंजॉय, क्योंकि इस संसार में कोई भी अकेले एंजॉय नहीं कर सकता। सो मैं आपके साथ रहकर आई एम गोइंग टू बी जॉली जॉली। Thank you.
तेरी है मुस्कान, तेरी मुस्कुराहट पे दे दूं जान, बातें तेरी प्यारी तितलियों संग यारी, खट खट सी तू है गुड़िया कुर्बान तुझ पे दुनिया सारे, मीठी शहद सी तेरी है मुस्कान, तेरी मुस्कुराहट पे दे दूं जान। उस आत्मा ने श्रवण से मिलना शुरू कर दिया है, बट क्या चाहती है ये नहीं बताया। उससे मिलना जुलना कम करो, ओके? वो अब पूरी तरह तैयार हो चुका है। लोहा गरम है, मार दो हथौड़ा। जहाँ तक मेरा ख्याल है, इस संसार में भूत की फिल्म देखने के लिए आई हुई पहली। मैं भूतनी हूँ क्या? मैंने ऐसा नहीं कहा। भैया मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, भूतों से डरना नहीं चाहिए, भूत इंसान से ज्यादा भयानक नहीं होते हैं। अच्छा ये बताओ, तुम लोगों की बातों को रिकॉर्ड करके उसे कंप्यूटर में डालकर उसे रिवर्स करके सुनने से बात समझ में आती है, ऐसा डिसोजा अंकल कहते हैं। वो कंप्यूटर वाला डिसोजा कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ा कर कह रहा था, उसमें आधे से ज्यादा झूठ है।
ब्रदर, घर की भूतनी से लड़ने के लिए भूत की फिल्म देखकर हिम्मत बढ़ा रहा हूँ। तुम्हें इस तरह से बातें करते देखकर मेरी धड़कन बढ़ रही है। ठीक है ठीक है, आप मजे से फिल्म देखिए। हाँ नहीं नहीं, मैं जा रहा हूँ, तुमसे बहुत डर लग रहा है। मैं जा रहा हूँ, हाँ मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। ये मेरी भूतनी का सगा भाई लग रहा है। हेलो श्रवण, सडनली प्लान चेंज हो गया। मेरे डैड मुझे आज ही जिनेवा भेज रहे हैं। ऐसा क्या, कब लौटोगी? 3 हफ्ते लग जाएंगे। क्या 3 हफ्ते लगेंगे? मैं मेरा नंबर तुम्हें मैसेज कर चुकी हूँ। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे मिस्ड कॉल देना। I'll call you back, okay? Okay. I knew you will come. ये समझ लो, तुम्हारा टाइम खत्म। अब तुम इस धरती पर नहीं रहोगी। तुम अपना बदला लेने के लिए संघर्ष कर रही हो, लेकिन मैं ये होने नहीं दूंगा। मेरा काम हुए बिना मैं तुम्हारे सपने को पूरा नहीं होने दूंगा। तुम्हें अच्छी आत्मा से बुरी आत्मा बनकर मेरे वश में आना होगा। तुम्हें इस्तेमाल करके मैं अपने सपनों को पूरा करूंगा। तुम्हारी आत्मा मेरे कब्जे में आई तो मैं जो चाहूँ करवा सकता हूँ। शेयर मार्केट कब चढ़ाना है, कब उतारना है, इलेक्शन में किसे जिताना, किसे हराना है, एवरीथिंग आई कैन डू। तुम्हें बदला लेने के लिए श्रवण का फायदा उठाने का मौका मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा। और तुम एक अनसेटिस्फाइड आत्मा होकर ऊपर जाओगे। सो यू डिसाइड। मैं तेरा कहा मानू? श्रवण को मेरी हेल्प करने से तुमने रोका, तो मुझे बुरी आत्मा बनाने की कोशिश कर रहा है। यू आर वेरी बैड। ए इडियट, ये ब्लैक मैजिक का कमाल मुझे मत दिखा। जो भूत प्रेत से डरते हैं उन्हें ये सब जाकर दिखाना। तेरे जैसे कितनी आत्माओं को मैंने अपने वश में किया है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। No, Anu, stop it! Stop it, I said! आज की न्यूज़ देखो, 19 बच्चे मारे गए स्कूल बस में। सब कुछ खत्म हो गया। कितने माँ बाप, कितने परिवार, कितने रिश्तेदार, कितने दादा दादी पागलों की तरह भटक रहे हैं। ऐसा कब तक चलेगा श्रवण? किसी ने किसी को तो रोकना ही होगा। हर एक स्कूल के सामने अन्याय के खिलाफ मोर्चा निकालना होगा। विक्रम के सीने में भी वही दर्द पैदा करना है जो हर माँ बाप और हर परिवार अपने बच्चों को खोकर झेलते हैं। जानता हूं उसे खत्म कर देने से मेरी बच्ची लौट कर नहीं आएगी। मुझे पता है, मुझे अच्छी तरह से पता है। जो सजा हम उसे देंगे उससे उसकी जिंदगी ही बदल जानी चाहिए। इसलिए मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं चाहता तो उसे लेकर यहां से कहीं दूर जा सकता था। जीते तो जीते, वरना मर जाते, क्या फर्क पड़ता? वो डिसोजा अपनी तांत्रिक शक्तियों से मुझे कैद करके बुरी आत्मा बनाने की कोशिश कर रहा है। डिसोजा इतना बुरा इंसान है? मैं तुमसे क्या मदद चाहती हूँ ये कहने का वक्त आ गया। तुमने मेरे मम्मी डैडी को देखा है ना? पता है वो अंदर से टूट चुके हैं। जब मैं जिंदा थी तब हमारा घर खुशियों से भरा था, और अब सब कुछ खत्म हो गया है। न्यूज वालों ने मेरे एक्सीडेंट का न्यूज तो बता दिया, लेकिन हमारा दर्द। अनु, तुम अपने माँ बाप की आंखों के सामने क्यों नहीं आ जाती? उन्हें भी तो तुम्हें देखकर सुकून मिल जाएगा। आ तो सकती हूँ, लेकिन एक मजबूरी है। उनका दर्द मुझसे नहीं सहा जाएगा। जून 2 तारीख को जिस दिन मैं पैदा हुई उसी दिन मेरी मौत हो गई।
इन सब के लिए सिर्फ एक ही जिम्मेदार है, उसी की वजह से हमारा परिवार बिखर गया। उसने तो मेरे पापा का भी एक्सीडेंट करवाया, वो है विक्रम चंद। इसलिए मैं आत्मा बनकर बाहर आई, पर वो मुझसे बच निकला। मुझे जस्टिस मिलना चाहिए ना भैया। करेस्पॉन्डेंट विक्रम चंद और उस तांत्रिक डिसूजा के कुछ भी करने से पहले हमें कुछ करना होगा। जब तक मेरे पापा जिंदा हैं, वो विक्रम चंद का पीछा नहीं छोड़ेंगे, और मेरे पापा को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा वो करेस्पॉन्डेंट विक्रम चंद। इसमें तुम मेरी मदद करोगे ना भैया? मुझे एक इंसान के शरीर की हेल्प चाहिए। मैं एक आत्मा हूँ, मुझे एक शरीर की जरूरत है, और वो तुम हो, मुझे समझने वाले तुम हो। तुम मेरा साथ दोगे ना? जो मैं सोच रही हूँ वो होगा ना? तुम मेरा साथ दोगे ना भैया? बेवकूफ कहीं का। Excuse me, sir. तुम लोग एक छोटी सी चीज को भी हैंडल नहीं कर सकते, उसके लिए भी मेरी जरूरत है। God damn it. विक्रम सर, आपको इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। मैंने 3 महीने पहले यूके जाने से पहले ही तुमसे कहा था, उस बच्ची के बाप को ऊपर पहुंचा दो। तुमने क्या कहा था? पहुंचा दूंगा। अब मेरी ही जान पे बनाई ना। मैंने 2 बार उसे खत्म करने की कोशिश की, लेकिन वो बच गया। आपको कोर्ट में खड़ा करके गुनाह कबूल करवाना इसी जिद पर अड़ा है। बकवास बंद कर। सर, वो ज्योतिषी पैरालाइज अटैक के बाद बिस्तर पे पड़ा है। आप किसके भरोसे इंडिया आए हो? जानता हूँ, मैं सारा इंतजाम करके इंडिया आया हूँ। इस अदालत में पक्ष और विपक्ष की बहस पिछले 8 महीने से चल रही है। स्कूल के मालिक और उनके वकील की दलील है कि ये जो हादसा हुआ उसमें उनका कोई कसूर नहीं, लेकिन विपक्ष के वकील का कहना है कि ये सारी गलती स्कूल के मैनेजमेंट की है और उन्हीं की लापरवाही से बच्ची की जान गई, इसलिए ये स्कूल गवर्नमेंट अपने कब्जे में लेती है। आप आगे क्या करना चाहते हैं सर? तुम लोग जानते हो कौन हूँ मैं? अनु के पेरेंट्स आ गए। हाँ, उनके पेरेंट्स आओ, उनसे पूछते हैं। चल जल्दी चल। अपना जल्दी सवाल पूछते हैं उनसे। आ जाओ। सर, आपका अगला कदम क्या होगा? सर, आपको कानूनी कार्रवाई रोकने के लिए किसी ने धमकी दी है? बताइए सर, अब आपका इरादा क्या है? सर, आपकी बच्ची की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, ऐसा सर्टिफिकेट विक्रम सर ने कोर्ट में पेश किया है, इसमें सच्चाई कितनी है? बेकार के सवाल मत करो, जरा इंसानियत के सवाल करो। ये मीडिया का हुजूम है, सेंसिटिव इश्यू है। भला इसी में है कि आप अपना ये स्कूल गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर दीजिए। ए वकील, मुंह बंद कर। 20 सालों में खड़ा किया हुआ एम्पायर है, ऐसे कैसे स्कूल को गवर्नमेंट को दान कर दूं? अरे, हमारी अनुगुड़िया को ना स्ट्रॉबेरी बटरफ्लाई बहुत पसंद है, वो मेरी अनुगुड़िया को स्ट्रॉबेरी बटरफ्लाई बहुत। प्लीज बस शांत हो जाओ। प्लीज भगवान के लिए हमारा पीछा छोड़ दो, आप अपनी न्यूज के लिए हमें मत सताओ, हमारे दर्द को समझने की कोशिश करो। आपका दर्द सभी को पता चलना चाहिए ना? नहीं सर, ये किसी को जानने की जरूरत नहीं, चाहे कोई बड़ा हो या छोटा, हमें किसी को नहीं बताना। अरे रे, इस तरह की सहानुभूति दिखाने से हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। हम ये जंग क्यों लड़ रहे हैं ये बच्चे समझने लगे बस इतना ही चाहते हैं। जो दुख का पहाड़ मेरे परिवार पर टूटा है वो किसी पर ना टूटे। जिस तरह सुबह टाटा करके बच्चे स्कूल जाते हैं उसी तरह हंसते हुए उन्हें वापस लौटना चाहिए, उनकी लाश नहीं। पर बात कर देगा, इस केस को किसी भी तरह सेटल करो, सेंट्रल मिनिस्टर से मीटिंग फिक्स करो। मिनिस्टर? बेवकूफ को पता नहीं है कि मिनिस्टर कुछ नहीं कर सकता। हम दोनों को हमारे हवाले छोड़ दो, पब्लिसिटी के लिए हमारा यूज मत करो प्लीज। चलो थैंक यू सर। रुको, गवर्नमेंट स्कूल से फर्स्ट रैंक लेकर आए हो ना तुम लोग, इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं। क्लास में जाओ, फ्री सीट मिल गई है, इसका मतलब ये नहीं कि फ्री में घूमते रहो। भाई साहब। अरे मणि, कैसे हो तुम और यहाँ कैसे? मैं ठीक हूँ भाई साहब, मैं आपसे एक बात करने आया था। मेरा श्रवण चाहता है कि वो इसी स्कूल में ड्राइवर की नौकरी करे। अरे उसके लिए मैं हूँ ना। नमस्ते सर। किस गांव के रहने वाले हो? अपने गांव का है भैया। अरे मेरे गांव के हो तो फिर सोच क्यों रहे हो, आ जाओ। ये बताओ, हमारे गांव के सारे लड़के तो हट्टे कट्टे हैं, तुम इतने कमजोर क्यों हो? हम MD करोड़ी मल से मिलने जा रहे हैं, जिसे स्टीयरिंग पकड़ने की तमीज नहीं है उसे यहाँ पर ड्राइवर रखा गया है, उससे तो तुम 1000 गुना बेहतर हो।
गुड मॉर्निंग सर, ये मेरा कजिन है सर श्रवण। नमस्ते सर। स्टीयरिंग पकड़ने के लिए पैदा हुआ। क्या मतलब? मतलब गाड़ी चलाने के लिए सर। गाड़ी चलाने के लिए पैदा हुआ, ऐसा क्यों? मेरा मतलब ये है सर कि ये चलती हुई गाड़ी में ही पैदा हुआ था। ये गाड़ी चलाता है तो इसका कोई मुकाबला नहीं है सर, ये आंटी गाड़ी भी चला लेता है। अरे आंटी नहीं, एंटीक। और वो आंटी कार है सर। गलत कहा क्या? ये लड़का कौन है? मैं भी गाड़ी चलाता हूँ सर। जी हाँ सर, वो आजकल ऑन कॉल टैक्सी की बुकिंग होती है ना सर, ये उसी तरह की टैक्सी शौक में चलाता है। सर बाय द वे, श्रवण को जब कोई कस्टमर कॉल करता है तो इसका रिकॉर्ड है सर, ये समय से पहले पहुंच जाता है और इसीलिए ये सबका चाहता है। तो सही कह रहे हैं आप। और इसीलिए सर ये स्कूल के बच्चों को बस में बिठाकर कितनी जल्दी स्कूल पहुंचाएगा, जरा इसके बारे में सोचिए सर। प्रिंसिपल, इस लड़के को स्कूल बस में सपोर्टिंग ड्राइवर बना के रख लो। बिल्कुल रख लूंगा भाई से। शुक्रिया सर, आपने मेरी बात रख ली सर। थैंक्स सर। ठीक है यार, मुझे एक बात जाननी है। इस पूरे शहर में तो बहुत सारे स्कूल हैं, फिर भी हर कोई अपने बच्चे को इसी स्कूल में पढ़ाना चाहता है, ऐसा क्या है इस स्कूल में? अभी ड्यूटी ज्वाइन नहीं किया और सवाल पूछ रहा है, पूछ मत, काम कर। ये यही काम करने वाला है, आज नहीं तो कल पता चल जाएगा। वो तो है छोटे, पूरी सिटी में ये स्कूल टॉप 10 में नंबर 1 पर है। पता है क्यों? यहाँ जितने भी बच्चे पढ़ते हैं मार्क्स लेने में नंबर 1। ऐसा क्यों? अब छोटे, जो बच्चे 8वीं में पढ़ते हैं उनके दिमाग में 10वीं की पढ़ाई जबरदस्ती ठूस दी जाती है, और जो बच्चे 10वीं में पढ़ते हैं उनके दिमाग में 12वीं की पढ़ाई को मसाले की तरह पीस पीस कर लेप दिया जाता है। टेस्ट में परफेक्ट लिखते हैं। कैसे? जो बच्चे कमजोर हैं उनको एग्जाम के क्वेश्चन पेपर पहले देकर उनकी तैयारी करा दी जाती है और इसीलिए मार्क्स अच्छे आते हैं। लेकिन ये तो गलत है। हाँ गलत है, लेकिन क्या कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स लेने के लिए करना पड़ता है, तभी तो पढ़ाई में टॉप करते हैं। अच्छा तू ये सब छोड़, प्रिंसिपल से ऑर्डर लेकर आ, तुम जरा मेरे साथ आओ। तू यहीं वेट कर, मैं आता हूँ। जैसा तुमने कहा, मैंने स्कूल में एंट्री ले ली है। अब बताओ विक्रम सर के साथ मुझे क्या करना है? वो विक्रम चंद एक बहुत बड़े तांत्रिक से पूरी तरह सुरक्षा करवा कर आया है, सो इस वक्त हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। खैर छोड़ो, मैं एक बस लेकर उसे रास्ते में उड़ाकर खत्म कर दूंगा, ठीक है? नो, ये स्कूल मेरे लिए एक मंदिर है, इसमें कोई दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। ये भी मत करो, वो भी मत करो, तो फिर आखिर किया क्या जा सकता है? भगवान जिसे हद से ज्यादा मुसीबत देता है, इसका मतलब बहुत जल्द उसका साथ देने वाला है। ये सारी बातें तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी, अभी तुम बहुत छोटे हो भैया। उस तांत्रिक ने मेरा टाइम खत्म हो गया है ये सोचकर विक्रमचंद को यहाँ वापस बुलाया है, सो भगवान हम दोनों के साथ है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें हमारा मकसद पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। जिसे दौलत मिल गई है उसके लगाम ऊपर वाले के हाथ से निकल चुकी है। सोच क्या रहा है? तुझे यहाँ मैं नौकरी पर लगाकर अपनी नौकरी को खतरे में डाल चुका हूँ। तू ये बता, स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड रूम में क्या ढूंढना चाहता है? यहाँ 24 घंटे सीसीटीवी की नजर रहती है, हर पल की खबर कंप्यूटर में रिकॉर्ड होती रहती है, फिर क्यों जानबूझकर आग में कूद रहा है? कौन है तू? सीबीआई है या सीबीसीडी है? तू चाहता क्या है? जो आप चाहते हैं वही मैं भी चाहता हूँ। देख प्यारे, मैं तुझे बताता हूँ, हमारी अन्नू पूरे स्कूल की बहुत ही प्यारी बच्ची थी, पर लापरवाही का शिकार हो गई। यहाँ के बस चलाने वाले ड्राइवर ज्यादातर नौसिखिए हैं, और बस के ओनर ऐसे ही लोगों को रखते हैं। इन लालची भेड़ियों को पैसे की लालच में हम इंसानों की जान से कोई मतलब नहीं। जब तक बड़े मालिक थे तब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब से विक्रम सर ने स्कूल का चार्ज लिया है सब उलट पुलट हो गया है, सब कुछ बर्बाद होता जा रहा है। एक बच्ची सेप्टिक टैंक में डूबकर मर गई, एक ने मार्क्स कम मिलने से खुदकुशी करके जान दे दी। यहाँ ये सब क्यों हो रहा है? आज तक किसी ने नहीं पूछा। स्कूल वाले गवर्नमेंट से मिले हुए हैं, कमाई में उनका हिस्सा जाता है, इंसानियत को भूलकर सब पैसे कमा रहे हैं, पिस रहा है आम आदमी। देख मेरे छोटे, इंसाफ खातिर लड़ने के लिए हीरो जैसा होना जरूरी नहीं है, इंसाफ के लिए जो लड़ता है वही है असली हीरो। मेरी निगाह में तू हीरो है, सुन मेरी बात। मैंने तेरी नौकरी अपना गाँव वाला समझ के नहीं लगवाई, तू कुछ करके दिखाएगा इसीलिए मैंने तेरी हेल्प की। अब शुरू हो जा।
हाँ सर बोलिए सर। तो बस लेकर पूरे शहर में घूमने निकला है क्या? या पेरेंट्स फोन कर रहे हैं, जल्दी आ। मैं बस लेकर आ ही रहा था और आते वक्त रास्ते में। ये सब क्या हो रहा है? बिना किसी कारण अचानक हमारे बस में आग कैसे लग गई? हमारी बसों में आधी से ज्यादा ओल्ड बसेस हैं, उनकी मेंटेनेंस भी नहीं है। जिस बस में आग लगी है उसका ड्राइवर श्रवण आपसे बात करना चाहता है। बाकी ड्राइवरों को भी शिकायत है सर, श्रवण बाहर खड़ा है, आप कहें तो उसे बुला दूं, आप खुद ही पूछ लीजिए। एक सेकंड। हाँ बोलिए सर। यस सर, यस सर, कमिंग सर। वो आए हैं, उन्हें बुलाकर ले आओ थोड़ा जल्दी। सर वो ड्राइवर, अरे उसे जाने को बोलो, बाद में देखूंगा। श्रवण हाँ सर, तुम जाओ, बाद में बोला। ठीक है सर। मैं आपके ही भरोसे यूके से आया हूँ। आज हमारे स्कूल की बस जल गई, लगता है उस आत्मा ने अपना काम शुरू कर दिया है। ये मेरे लिए किसी भी तरह से ठीक नहीं है, बताओ मैं क्या करूँ? जैसी हमारी बात हुई थी 50 करोड़ ट्रांसफर हो गए। वो आज ही ट्रांसफर हो जाएगा। एक भटकती आत्मा से डर कर तुम यहाँ से विदेश भाग गए। मैंने तुम्हें वहाँ से वापस बुलाया है यूं ही नहीं, वादे के मुताबिक। तुम्हारी जान बचाना अब मेरी जिम्मेदारी है। वो आत्मा किसकी है सर? तुम्हारी स्कूल बस से गिर कर जान गंवाने वाली अनु की आत्मा। अनु? तुम्हारे स्कूल में बस ड्राइवर बनकर काम कर रहा श्रवण तुम्हारी मौत बनकर आया। तो फिर उस श्रवण को मैं आज ही खत्म करवा दूंगा। नो, अनु जब तक उसके साथ है कोई कुछ नहीं कर सकता। अनु को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, वो हंसती खेलती आशीर्वाद देने वाली एंजल नहीं है। तमाम हथकंडे अपनाकर तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हारे इर्द गिर्द घूमने वाली खतरनाक चुड़ैल है। वो अगर किसी इंसान के शरीर में घुस जाए तो उसकी ताकत 1000 गुना बढ़ जाती है। अब उसका निशाना सिर्फ तुम हो। वेरी क्लोजली शी इज मूविंग टू किल यू। मैंने तुम्हारी रक्षा के लिए एक कवच दिया था, जरा मुझे देना। अब इस रक्षा कवच की मुझे जरूरत है। तुम आत्मा से अपने आप को सेफ रखो, श्रवण को मैं संभाल लूंगा। जब तक उससे अनु की आत्मा नहीं निकल जाती तब तक तुम स्कूल में ही रहना। स्कूल ही तुम्हारे लिए सेफ है। जब तक तुम स्कूल में हो वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिक्र मत करो, कल वो खत्म हो जाएगी। ये किस्सा अब अपने क्लाइमैक्स पर है। गलत कर रहे हो डिसोजा, तुम गलत कर रहे हो। उस विक्रम का आखिरी दिन आ चुका है, मुझसे उसे कोई नहीं बचा सकता। ए जादूगरनी, मेरे होते हुए तू कुछ नहीं कर पाएगी। इस संसार में तेरे पास सिर्फ एक ही दिन है। यू कांट डू एनीथिंग। तेरा खेल खत्म करके रहूंगा। इस संसार को छोड़कर जाने से पहले मैं उसे खत्म कर दूंगी। हिम्मत है तो मुझे रोक कर दिखा। वश में आओ, वश में आओ, मेरे वश में। जब तक विक्रम स्कूल में है कुछ नहीं बिगाड़ सकती तुम। ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ अनु, तुम्हारे लिए स्कूल एक मंदिर की तरह है। जब तक मैं उससे नहीं कहूँगा वो स्कूल से बाहर नहीं आएगा। आएगा, जरूर बाहर आएगा। उस विक्रम की मौत मेरे हाथों ही होगी, तू उसे नहीं बचा पाएगा। मैं उसे सजा देकर ही रहूंगी। Close, 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 see, close, see.
अनु को इस साल का ब्रिलियंट स्टूडेंट का अवार्ड दिया जा रहा है। वो हमारे स्कूल की प्रोडक्ट है, हर चीज में अव्वल, सिंगिंग, डांसिंग, मेमोरी पावर, मल्टी टैलेंटेड स्टूडेंट है अनु। हमें इस बच्ची पर फक्र है। आज हमारे स्कूल के एड में अनु का नाम जुड़ गया है। थैंक्स श्रवण, ये एविडेंस काफी है, इससे सब कुछ बदल जाएगा। श्रवण दूसरी गाड़ी ले लो ना, उसके लिए इतना अफसोस क्यों कर रहे हो? हेलो सर, मैं स्कूल से बाहर जा सकता हूँ? खौफ होकर जा सकते हो। ओके सर। शरवन, गाड़ी निकालो। आज तेरा खेल खत्म कमीने। अनु, अनु, शरवन, गेम ओवर। शरवन पहले इसे गोदाम में लॉक करो, फिर मुझे फॉलो करो। ले जाओ यहाँ से। चल यहाँ से, यहाँ से आता तू। वेलकम माय डियर एंजल, आज का दिन तुम्हारे लिए आखिरी है। ए, कौन हो तुम लोग? चलो बाहर निकलो, बाहर निकलो। ए, चलो सब बाहर निकलो, बाहर निकलो। मैंने कहा ना बाहर निकलो, तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यहाँ क्या करने आए, लड़ने आए हो? ए, ए, ये क्या तरीका है? एक औरत पर हाथ उठाते हो क्या? यही मर्दानगी है तुम्हारी? हाँ, यही मर्दानगी, यही मर्दानगी। ए हैंडीकैप पावर, मैं तुझे आज यही गाड़ दूंगा, तुझे अपने वश में करके रहूंगा। कल सुबह ही तू मेरी गुलाम होगी, अब मुझसे तुझे कोई नहीं बचा सकता। तुझे मेरी गुलाम बनना ही होगा। मुझे मेरे मम्मी पापा को बचाना। आ जाओ मेरे वश में, आ जाओ मेरे वश में। तुझे इस आग से कोई नहीं बचा सकता, आज तेरा खात्मा होकर रहेगा, तुझे गुलाम बनना ही पड़ेगा। हे सेट हैंड, मेरे वश में आ जाओ। अरे अरे उठो उठो, अरे अरे उठो ना, अरे उठो। मेरी एक ही बच्ची थी, मेरी जान थी, तुम्हारे यहां पढ़ने भेजा था। बर्थडे के दिन वो हंसते खेलते टाटा करके गई थी यहाँ से, उसकी लाश भेजी तुम लोगों ने, पापी लोग हो तुम। मेरी बच्ची को जरा सा साइकिल का टायर टच हो गया था तो उसने पूरी दुनिया सर पर उठा ली थी। बस से गिरने के बाद वो जख्मी हालत में कितनी तड़पी होगी, सोचो जरा। उस दर्द को खरीदे के लिए आए हो यहाँ? उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, वो बस जिम्मेदार है, उसका ड्राइवर जिम्मेदार है। तुम्हारे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जब कोई ट्रॉफी लेकर आते तो कहते तुम जिम्मेदार हो, जब कोई अच्छी रैंक लेकर आता तो कहते हो कि तुम जिम्मेदार हो, लेकिन तुम्हारी स्कूल बस से एक स्कूल की स्टूडेंट गिरकर मर जाती है तो उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने के बजाय दूसरों के ऊपर थोपते हो। मैं तेरी बकवास सुनने नहीं आया, कोर्ट में प्रूफ करने के लिए
कि तेरी बच्ची मंदबुद्धि पागल है, उसके लिए तेरा साइन लेने आया। ये यहाँ कैसे आ गया? तू यहाँ क्यों आया है? सर, वो बेचारी नन्ही आत्मा है सर, वो अपने माँ बाप को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है, वो इंसाफ के लिए लड़ रही है सर, तो आप बीच में आकर ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? कौन है बेचारी? कौन है बेचारी? तू बेचारा नहीं है, मैं बेचारा नहीं हूँ। बेचारा शब्द जहाँ नहीं है वो है सोल वर्ल्ड, भूतों की दुनिया। राई भर का उन्हें मौका मिल गया तो इस दुनिया पर उनकी हुकूमत होगी, ये है मेरा प्लान। आप कितने बदल गए सर, वो मरने के बाद भी इंसाफ के लिए लड़ रही है और आप उसी बच्ची की आत्मा की बलि चढ़ रहे हैं। मैं नामुमकिन को मुमकिन करता हूँ, नो सेंटीमेंट्स। पूरी जिंदगी जीने से पहले जिसकी अकाल मौत होती है उसकी आत्मा बहुत ही पावरफुल होती है, वो शक्ति अगर मुझे मिल जाए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसीलिए मैं समझा रहा हूँ, अपनी जिद को छोड़ दे। शमशान में जली हुई लाशों की खोपड़ी और हड्डियों से बहुत कुछ किया जा सकता है और ये हुनर मुझे अच्छी तरह से आता है। ए, तो इंसान कहलाने के लायक नहीं है, जान से मार दूंगा तुझे मैं। Stop it, श्रवण, stop it. क्या सोच रहे हो? अच्छी अमाउंट, नई लाइफ स्टार्ट करो, वरना जो चार लोग अंदर हैं, वो तुम्हारी बच्ची कुची जिंदगी भी बर्बाद कर देंगे और उसके जिम्मेदार तुम हो गए। तुम्हें शर्त मंजूर है या नहीं? मैडम, आप सही वक्त पर आई हो। देखिए आपके पापा क्या कर रहे हैं, अनु की आत्मा को दफन करने के लिए ये क्या कर रहे हैं वो। मैंने फोन करके आपको कितनी बार बताया लेकिन आप नहीं मानी। देखिए कितनी गिरी हुई हरकत कर रहे हैं आपके पापा। आई नो, मुझे सब पता है श्रवण, सब कुछ पता है। तुम अपनी जुबान बंद रखो, तुमने ना कुछ देखा और ना ही तुम कुछ जानते हो। यहाँ जो कुछ चल रहा है वो एक बिजनेस गेम है। मैडम आप भी इनकी तरह। एवरीबॉडी इज मनी माइंडेड, यहाँ सब कुछ पैसा है। मैं फॉरेन गई थी विक्रम से मीटिंग करके ये डील फाइनल करने के लिए। मैंने उन्हें विश्वास दिलाया है कि उन्हें बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। हमने उस विक्रम चंद की जान बचाने के लिए उससे 50 करोड़ रुपए लिए हैं। एट द सेम टाइम अनु की आत्मा को अपनी शक्तियों से कैद करने का वादा भी किया है। इन दोनों प्लान्स को कामयाब करने के लिए हमने तुम्हारा यूज किया। इस काम में तुम्हें भी बहुत तकलीफ हुई है, इसलिए 2% कमीशन लो और कहीं सेटल हो जाओ। अंडरस्टैंड? नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, तुम दोनों को मैं नहीं छोड़ूंगा। अनु की आत्मा को मैं दफन होने नहीं दूंगा। इसका बदला मैं जरूर लूंगा। मेरे कब्जे में हो, तुम्हें मेरे वश में होना ही होगा, तुम्हें मेरा गुलाम बनना ही होगा, तुम मेरी गुलाम हो। आओ आओ और इसमें समा जाओ। आओ कल सुबह सूरज उगने तक इसे रोशनी दिखाते रहना,
ये बुझने ना पाए, बहुत ध्यान देने की जरूरत है। ये हमारे लिए बहुत काम की है। इसके अंदर जो आत्मा कैद है, उसे एक छोटे से छोटा जीव भी एक बार छूकर आजाद करवा सकता है। मतलब अनु की आत्मा हमारे बंधन से आजाद हो सकती है। मार कर उसकी लाश को यहीं छोड़कर चला गया। जा दफन हो जा, मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, सारी की सारी। उसकी आत्मा मुक्त हो चुकी है, अब तू भी अपने शरीर से मुक्त हो जा। तुम बच्चों की जिंदगी खराब करके हर वक्त तुम बस पैसा 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 कमाने के बारे में सोचते रहते हो। जब मिलिट्री में मारे जाते हैं वो देश के लिए शहीद हुए ये सोचकर लोग सहन कर लेते हैं। स्कूल के बच्चों की लाश जब घर आती है तो उसे मारने वाले तुम जैसे शैतानों को कौन माफ करेगा। तेरे सर से लेकर पैरों तक बच्चों के मौत की बदबू आ रही है। तेरे अंदर दौड़ने वाला खून उन बच्चों के खून से कमाई हुई दौलत से दौड़ रहा है। जिस घर के बच्चे मर जाते हैं वो घर ही शमशान बन जाता है, तो उनके माँ बाप पर क्या गुजरती है सोच। नेता लोग तेरे साथ हैं, इसलिए तू नहीं बदला। जनता ने आवाज उठाई फिर भी नहीं बदला। जब तेरा सर कटेगा तब तू बदलेगा। मुझे कुछ मत करना, मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। तेरी लालच की वजह से वो मासूम अनु की जान चली गई, इसलिए तुझे भी मौत मिलनी चाहिए। ये अनु का फैसला है। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। मुझे बता रहे हो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अनु, अनु, अनु।
बहुत बहुत शुक्रिया भैया, मेरे लिए आपने बहुत तकलीफ उठाई, इन सब के लिए थैंक्स। मेरा टाइम पूरा हो गया है, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती भैया, आज के बाद हम नहीं मिल पाएंगे, मुझ जैसे छोटे छोटे बच्चों को सुरक्षित स्कूल पहुंचाने की जिम्मेदारी तुम उठाओगे क्या? सबको इस संसार से जाना होता है, पर मैं जल्दी ही चली गई। That's it. भैया, मेरे मम्मी पापा का ख्याल रखना। Last moment, I want to kiss you one time, भैया। अनु, मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं देख सकता। मैं आपके दिल में हमेशा याद बन के रहूंगी, आप जब भी याद करोगे तब मैं सपनों में आऊंगी। बाय भैया, बाय। मीठी शहद सी तेरी है मुस्कान, मुस्कुराहट पे